15 अगस्त के मद्देनज़र हम लोगों ने बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। बहुत पहले से ही वेरिफिकेशंस थाने लेवल पे शुरू हो गए थे, किराएदारों के वेरिफिकेशंस, सर्वेंट्स के वेरिफिकेशन, मेट के वेरिफिकेशन, पीजीज़ में रहने वाले लोगों के वेरिफिकेशन, उसके अलावा जितने भी फॉरेनर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में रहते हैं उनको भी वेरीफाई करना शुरू कर दिया था। होटल्स में चेकिंग, लॉजेस वगैरह में चेकिंग, ये सब भी चालू है। और उसके अलावा यमुना खादर, जो कि यमुना के बिल्कुल बगल में है, उस इलाके में रेगुलरली कॉम्बिंग एक्सरसाइजेस चल रही हैं, और ड्रोन्स वगैरह की मदद से भी हम लोग लगातार एरिया में सर्वेलेंस बनाए रखे हैं। बॉर्डर्स पे काफ़ी सारी चेकिंग हो रही है, वहाँ पे गाड़ियों को रोककर उनके प्रॉपर चेकिंग हो रही है, उनके बैग्स वगैरह चेक करे जा रहे हैं, अगर कोई इलीगल सामान या इस तरह का कोई लेकर अंदर घुसने की कोशिश करता है दिल्ली में। और हमारे इंटरनल पिकेट्स भी हैं, जो हमारे 30 के ऊपर पिकेट्स टोटल लगी हुई हैं ज़िले में, जिस पे हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है, और वो 24 घंटे का डिप्लॉयमेंट है, उसमें डे एंड नाइट हमारा स्टाफ डिप्लॉयड है, और ये 15 अगस्त तक कंटिन्यूसली चलेगा। उस पर भी रिगरस चेकिंग हो रही है, सारे व्हीकल्स को रोका जाता है, उनकी चेकिंग करी जा रही है, और हम इस पर भी अंकुश लगा रहे हैं कि जो इलीगली कोई दारू बेच रहा है या फिर ड्रग्स बेच रहा है और इस तरह से इसकी वजह से कोई आपत्ति आती है हमारे सिक्योरिटी की व्यवस्था में, तो हम उन पर भी लगाम लगा रहे हैं।